नमस्कार। जो इज़राइल में हुआ क्या वो भारत में भी हो सकता है? जिस तरह से इज़राइल की जनता वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए सड़क पर उतरी, क्या भारत की जनता भी लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए अपनी सरकार को आईना दिखा सकती है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसराइल के अंदर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ऐतिहासिक प्रपोजल्स लेकर आते हैं, योजनाएं लेकर आते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि न्यायपालिका के मुकाबले संसद को मजबूत बनाना, यानी कि न्यायपालिका में जो फैसला आए संसद उसे पलट सके। नतीजा ये होता है दोस्तों कि उसका विरोध उनकी रक्षा मंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री से नाराज होकर उन्हें सैक कर देते हैं, उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, मगर फिर जनता सड़कों पर उतरती है और वो सरकार को आईना दिखाती है। इस कदर इसराइल में प्रदर्शन होते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वो तमाम योजनाओं को वापस लेना पड़ता है। राष्ट्रपति भी कहते हैं कि तुरंत इन योजनाओं को वापस लो। इसराइल के परम मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बयान में कहा था कि ऐसी योजनाएं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं लानी चाहिए, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू पलटवार करते हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इसमें दखल ना दे। यानी कि इसराइल का परम मित्र भी लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास जब होता है, जब उन्हें कुचला जाता है, तो इसराइल के परम मित्र अमरीका भी उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इसको लेकर दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जितने भी दोहरे मापदंड हो, इसराइल को लेकर जितने भी दोहरे मापदंड हो, मगर जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आती है तो उसके साथ समझौता नहीं किया जाता। इसराइल की जनता, तारीफ करनी पड़ेगी इसराइल की जनता की। यह ना भूलें दोस्तों कि इसराइल के अंदर भी कट्टर राष्ट्रवाद चलता है, जिसकी बयार हम कुछ दिनों से भारत में देख रहे हैं। यानी कि जो भी सरकार से सवाल करे उसे देशद्रोही बता दो। मगर वहां की जनता ने देखा कि किस तरह से न्यायपालिका के उसूलों, उसके मूल्यों को कुचला जा रहा था, तभी वो सड़क पर उतरी और उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आईना दिखाया। मैं ये तो नहीं कहता कि क्या भारत में भी ऐसा होगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जब यहां लोकतांत्रिक मूल्य कुचले जाएंगे जनता को सड़क पर उतरना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये मेरा काम भी नहीं है। मगर बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से मास मीडिया के जरिए जनता को भारत के अंदर ब्रेन वॉश किया जा चुका है, अंधभक्त बनाया जा चुका है, क्या जनता अपने अधिकारों, अपने मूल्यों को समझेगी? ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब दिया जाना बाकी है। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो किसी और ही दुनिया में है। जी हां, किसी और ही दुनिया में, और उसकी मिसाल है हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा, मगर इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, या मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, जो भी। इसका जो फलसफा था, इस फिल्म की कहानी यह थी कि सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं होता, या सिर्फ एक पृथ्वी, एक भारत नहीं होता, कई ब्रह्मांड होते हैं और हर ब्रह्मांड में एक भारत होता है। यानी कि इस वक्त मैं अभिसार शर्मा जो आप लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में भी कोई अभिसार शर्मा अपने दर्शकों से बात कर रहा होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म इस बारे में है। तो मैं इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझना होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फलसफा था कि कई किस्म की पृथ्वी हैं, कई किस्म के यूनिवर्सेस हैं। जब प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलते हैं ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और यूनिवर्स के भारत की बात कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको गौर करना पड़ेगा प्रधानमंत्री ने क्या ताजा बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, आज भारत को रोकने के लिए इस नींव पर चोट की जा रही है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि जब एजेंसीज कार्रवाई करती हैं तो एजेंसीज पर हमला किया जाता है। मुझे बताइए ना, विपक्ष के किस नेता ने एजेंसी पर इस कदर हमला किया है कि वो अपने काम नहीं कर पाए? और सबसे बड़ी बात, आपकी जो तमाम एजेंसीज हैं उनकी नजरें इनायत सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों होती हैं? इन चेहरों पर गौर कीजिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, नवाब मलिक, यानी कि जितने भी नेताओं को जेल में बंद किया गया है या किया गया था, सब विपक्ष में है। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? और विपक्ष के नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे केसेस उड़नछू हो जाते हैं। मिसाल दूं मैं आपको, अगर आप भूल गए हो तो, हेमंत बिस्व शर्मा गंभीर आरोप थे, बीजेपी में शामिल हो गए और अब तो आपके मुख्यमंत्री हैं। सुवेंदु अधिकारी, ये भी एक घोटाले में शामिल थे, बीजेपी में शामिल हुए, गायब। मुकुल रॉय बीजेपी में गए, तमाम आरोप गायब, अब वो वापस टीएमसी में चले गए। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गंभीर आरोप थे, गायब। महाराष्ट्र पर निगाह डालें, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के पार्टी छोड़ते हैं और उनके साथ करीब 40 विधायक बीजेपी के मोर्चे में शामिल हो जाते हैं, मगर इनमें से करीब एक दर्जन ऐसे विधायक थे जिन पर ईडी के केसेस चल रहे थे, वो सारे केसेस उड़नछू हो गए। बताइए ना प्रधानमंत्री, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आप एजेंसीज की बात करते हैं, तो क्या आपको यह हकीकत नहीं दिखाई देती? आप किस भारत की बात कर रहे हैं? इस मल्टीवर्स के किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं? ये मैडनेस क्यों है हमारे इस गोले में? क्योंकि आप इस गोले की बात नहीं कर रहे हैं। वो फिल्म पीके में वो डायलॉग था ना कि ये हमारा गोला नहीं है, आप कछु और गोले की बात कर रहे हैं। जी हां, आप इस भारत की नहीं, किसी और भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है आपराधिक मानहानि के मामले में। आप अपने बयान में कहते हैं कि विपक्ष जो है वो अदालत पर भी सवाल उठाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिर क्या वजह है कि आपराधिक मानहानि को लेकर सूरत की अदालत में केस चल रहा होता है मगर पूर्णेश मोदी रहस्यमय तरीके से हाईकोर्ट जाते हैं और लोअर कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही होती है उस पर रोक लगा देते हैं, मगर जैसे ही राहुल गांधी संसद के अंदर अडानी के ऊपर बयान देते हैं और जैसे ही लोअर कोर्ट का जज बदलता है, वो अचानक जाते हैं वापस और कहते हैं कार्रवाई शुरू की जाए, वो अपनी याचिका वापस ले लेते हैं। 1 महीने से भी कम समय में बहस चलती है और फिर फैसला आता है जिसमें राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा मिलती है। आप कहीं नहीं रुकते, अगले ही दिन लोकसभा जो है उनकी संसद की सदस्यता खारिज कर देता है, मगर बात वहां नहीं रुकी। फिर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला फरमान जारी करते हैं कि राहुल गांधी का जो निवास स्थान है 12 तुगलक रोड, राहुल गांधी 22 अप्रैल तक उसे खाली कर दे। विपक्ष के नेताओं पर इस कदर नफरत, इस कदर टारगेट करना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं प्रधानमंत्री। न्यूज 18 यानी अंबानी का न्यूज चैनल एक कार्यक्रम कर रहा है दोस्तों। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम में विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया है न्यूज 18 ने, शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसका जिक्र किया है। आप देख सकते हैं, राइजिंग विद द वॉइसेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग रियल हीरोज, न्यूज 18 राइजिंग इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, जयशंकर हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेश बदाम हैं, हरदीप पुरी हैं, इसकी मनसुख मंडाविया हैं, भूपेंद्र यादव हैं। आप इस पूरी लिस्ट में देखिए दोस्तों, कहीं पर भी मनोज सिन्हा हैं, अनुराग ठाकुर हैं, खुशबू हैं, ये तमाम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
यानी कि न्यूज 18 ने, अंबानी के न्यूज चैनल ने विपक्ष को अदृश्य कर दिया है। प्रधानमंत्री, आप जो बात कह रहे थे विपक्ष के बारे में कि वो भ्रष्टाचारी हैं, अरे आप तो विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। आप और आपका पालतू मीडिया जो है वो विपक्ष को अदृश्य कर रहा है, उन्हें इनविजिबल कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचार भगाओ अभियान के सदस्य हैं? आप इस गठबंधन के कन्वीनर हैं। खुद को एंटी करप्शन क्रूसेडर बताकर इमेज मेकओवर बंद कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर। पहले अपने गिरिबान में झांक कर देखें। कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप क्यों है? मेघालय में नंबर 1 भ्रष्टाचारी सरकार में आप शामिल क्यों हैं? क्योंकि आपको याद होगा, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में मेघालय की सरकार को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया था और फिर उसी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। आगे दोस्तों, राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाला, मध्य प्रदेश का पोषण घोटाला या छत्तीसगढ़ में नान घोटाला में क्या बीजेपी नेता शामिल नहीं है? आगे विपक्ष पर किस तरह से मोदी सरकार हमला बोल रही है उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कही है। वो कहते हैं, विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और भाजपा में शामिल नेता वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ। 56 इंच की छाती है तो जेपीसी बिठाइए और 9 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हां, उनको जवाब दीजिए जो ये ना पूछें कि आप आम कैसे खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं। हकीकत यही है मोदी जी, आपको आप आम कैसे खाने वाले फिल्म स्टार्स पसंद हैं, आपको वो पत्रकार पसंद हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आपको वो पत्रकार, वो पेन किलर पत्रकार पसंद हैं जो ये कहते हैं कि आपके बटुए के अंदर क्या रखा हुआ है। आप अभिसार शर्मा के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा ना, उसकी वजह है कि आप किसी और ब्रह्मांड में हैं, आप किसी और गोले में जी रहे हैं, आपकी राजनीति का नाता इस गोले से नहीं है। हां, आपकी पार्टी जब राजनीति करती है तो उसमें नफरत की राजनीति होती है और उसी नफरत की राजनीति के जरिए आप हिंदू और मुसलमानों को बांटते हैं और उनमें नफरत पैदा करते हैं। मसलन, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित नहीं है, बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी का आंदोलन है। सही कहा आपने, बीजेपी एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत मजबूत हो गई है, जिसकी जेबें बहुत गहरी हो गई हैं सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से। और शुक्र है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अब इसे चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर चुके हैं। आप आगे कहते हैं, बीजेपी एक विचार है, कौन सा विचार बताइए ना, कि साम दाम दंड भेद से अपने विरोधियों, अपने आलोचकों को जेल में डालें, उन पर यातना करें, क्या यह आपका विचार है? आगे आप कहते हैं, बीजेपी एक संगठन है, बिल्कुल संगठन तो है ही, पिछले 9 सालों में अगर किसी संगठन का इतना विकास हुआ है तो बीजेपी का हुआ है या फिर आपके परम मित्र माननीय गौतम अडानी का हुआ है। और अंत में आप कहते हैं, बीजेपी का आंदोलन है। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रधानमंत्री, आपको आंदोलन शब्द का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन शब्द से भारतीय जनता पार्टी सरकार को एलर्जी है। मैं नहीं भूला हूं कि इनके पार्टी के नेता और मंत्री पीयूष गोयल को तो सत्याग्रह शब्द से एलर्जी है। विश्वास नहीं होगा ना, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो सत्याग्रह को लोकतंत्र के मंदिर का अपमान बता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस ने कल सत्याग्रह भी किया, ये अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा जनता में उसका उत्साह नहीं दिखा।
अलग अलग प्रदेशों से जो खबर आ रही है उसमें कोई लोग नहीं दिखे बड़े पैमाने पे सत्याग्रह करते। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहन रहे, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? इसलिए आंदोलन, सत्याग्रह, लोकतंत्र, इन तीन शब्दों से बीजेपी को एलर्जी है। बहुत बड़ी बात कह गए पीयूष गोयल यहां पर। सत्याग्रह को एक तरह से कालिक बता रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर के चेहरे पर। एक देश का मंत्री ये बात कह रहा है, जबकि आप जानते हैं कि सत्याग्रह इस देश का सबसे मजबूत हथियार रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल किया और आज उसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान इनके अपने एक मंत्री बता रहे हैं। इसलिए ना आपका आंदोलन से कुछ लेना देना है, ना सत्याग्रह से और ना ही लोकतंत्र से। और फिर दोहराना चाहूंगा पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री, कि आप किसी और दुनिया में हैं, किसी और गोले में विचरण कर रहे हैं। आपके विचारों का मौजूदा भारत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, मगर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। सच्ची बात का दामन थाम के हकीकत का आईना मैं सत्ताधारियों को दिखाता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।